हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे और उसके साथ हम लोग का जो है 31.3 जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 31.4 हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें जो बोला है क्वेश्चन की प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशंस ऑफ एलपीपी एंड इट्स सॉल्यूशन। तो अभी तक जो हम लोगों ने काम किया, तीन एक्सरसाइज में जो हम लोगों ने किया, पहला एक्सरसाइज में ये हम लोग देखे थे कि रीजन को कैसे सेड करना है। दूसरा में देखें कि मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया हुआ था उसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन लाना था वो देखे थे, जहाँ से हम लोग को इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा एक्सरसाइज में हम लोग क्या किए, वहाँ जो क्वेश्चन था वर्ड प्रॉब्लम में था, लैंग्वेज में था, उसको सबसे पहले मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किए, तो मेन था वहाँ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अब इस चैप्टर में हम लोग को क्या, इस एक्सरसाइज में क्या बोला है कि पहले आप फॉर्मुलेट करें फॉर्मुलेशंस एंड इट्स सॉल्यूशन, दोनों काम, तो फॉर्मुलेशन भी करना है एंड सॉल्यूशन भी करना है। तो फॉर्मुलेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 31.3, जस्ट जो एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट करा, और उसका जो सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था 31.2 में, तो दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया है। और यहाँ पे इस एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा हैं और यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन, जहाँ के जो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको सीबीएसई में के फाइनल एग्ज़ाम में जो है पूछे गए, मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग लगभग क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम मतलब सीबीएसई जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करती है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये आपको दिए गए हैं। तो खैर, हम लोग उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है अ स्मॉल फर्म मैन्युफैक्चरर्स एटम्स ए एंड बी। एक स्मॉल फर्म है, एक छोटा सा फर्म है, कंपनी बोल सकते हैं, वो दो एटम मैन्युफैक्चरर्स करती है, बनाती है ए एंड बी। बोलता है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ए एंड बी दैट इज दैट इट कैन बी मैन्युफैक्चर इन अ डे इज एट मोस्ट एट द मोस्ट 20-24। बोलता है ए और बी दो आइटम्स बनाती है, इन दो एक दिन में दोनों मिला करके मैक्सिमम जो आइटम बनाती है वो अधिक से अधिक कितना बनाएगी जी, 24 आइटम्स को बनाती है। क्या बोला गया है कि द टोटल नंबर ऑफ आइटम दोनों मिला करके जो टोटल आइटम बनाएगी वो कितना बनाएगी, 24। बोलता है आइटम ए टेक्स 1 आवर टू मेक वायर आइटम बी टेक्स ओनली हाफ एन आवर। आइटम ए जो है, जो भी आइटम ए बन रहा है उसको जो है 1 घंटा समय लगता है और आइटम बी लगता है कितना जी, ओनली हाफ एन आवर, आधा घंटा समय लगता है। बोलता था मैक्सिमम टाइम अवेलेबल पर डे इज 16 आवर, और मैक्सिमम टाइम जो हम लोग को जो अवेलेबल है, मैक्सिमम टाइम जो अवेलेबल है हम लोग को दिया गया कितना जी, अधिक से अधिक 16 आवर हम लोग को अवेलेबल है। बोलता है इफ़ प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट ऑफ आइटम ए इज ₹300 एंड 1 यूनिट ऑफ आइटम बी इज ₹160, हाउ मैनी, तो बोलता है हाउ मैनी ऑफ ईच आइटम ऑफ द आइटम प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो बोलता है आखिर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए हमें एक्स आइटम ए और आइटम बी का कितना कितना यूनिट का प्रोडक्शन करना होगा ये हम लोग को मालूम करना है, बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले बोले थे इसमें कि डिसीजन वेरिएबल किसको डिसाइड करेंगे उसको एज्यूम करना, तो यहाँ पे देख सकते हैं बोले थे कि डिसीजन वेरिएबल को डिसाइड करने के लिए हमें ये देखना है कि दिया गया क्वेश्चन में प्रॉफिट और तो कॉस्ट किसके टर्म में है। प्रॉफिट और कॉस्ट जिसके टर्म में रहेंगे उसी एक को हम लोग एक्स मानेंगे और दूसरे को क्या मानते थे जी, वाई मानते थे। तो देखिए, प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया, प्रॉफिट दिया गया है आइटम ए एंड आइटम बी, तो लेट करते हैं, लेट एक्स यूनिट्स ऑफ आइटम ए एंड वाई यूनिट्स ऑफ आइटम बी बी मैन्युफैक्चर्ड इन
फर्म, मान लिया एटम ए का एक्स यूनिट और एटम बी का वाई यूनिट मैन्युफैक्चर्ड किया गया। इसको आप यदि चाहें लैंग्वेज के अनुसार से तो लैंग्वेज के अनुसार से भी सॉल्व कर सकते हैं, एज अ इसको टेबुलर फॉर्म में चाहें तो टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं। ये टेबुलर फॉर्म में बनाइएगा तो यहाँ हो जाएगा रिसोर्सेस, इधर हो जाएगा या आइटम, दो तरह का आइटम है ए एंड बी, और यहाँ पे दिया गया है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी तो बोले थे कि रिसोर्स में क्या आता है जी, जिसके टर्म में बोले थे एटलीस्ट आ तो एटमोस्ट दिया गया हो, उससे जो किसके किसके टर्म में था वो इसी के हेल्प से क्या आता था, तो कंस्ट्रेंट मतलब जो है रिसोर्सेस आता था। देखिए यहाँ पे हम लोग को दिया गया है नंबर ऑफ एटमोस्ट और तो एटलीस्ट किसी किसके टर्म में दिया, दोनों दिया गया एटमोस्ट, बोल दिया गया कितना, एक दिया गया टाइम, एक हम लोग को क्या दिया गया जी टाइम, ये टाइम अधिक से अधिक हम लोग को क्या है मैक्सिमम टाइम अवेलेबल कितना है जी 16 आवर, मतलब हम लोग को 16 घंटा तो 16 घंटा से कम में काम करना है। दूसरा दिया है नंबर ऑफ आइटम्स, क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम ए एंड बी दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे एट इज एट द मोस्ट, अधिक से अधिक कितना जी 24, तो अधिक से अधिक 24 आइटम बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम्स, अधिक से अधिक यदि सामान वहाँ पे बनता है द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ए एंड बी दैट दैट इट कैन मैन्युफैक्चर इन अ डे इज एट मोस्ट एट द मोस्ट 24, तो यहाँ पे दिया गया टोटल मतलब एक यूनिट यदि इसका बनाएगा एक यूनिट इसका बनाएगा दोनों मिलाकर के टोटल कितना है 24। टाइम बोलता है कि इफ़ इट टेक्स 1 आवर टू मेक, 1 घंटा इसमें और आधा घंटा लगता है किसमें, तो वाई जो है बी को बनाने में, और यहाँ पे जो है प्रॉफिट जो दिया गया है प्रॉफिट कितना कितना है जी ₹300 एंड रुपीज़ है 160, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंस्टेंट यहाँ से लेट कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट, ये कितना हो जाएगा 300x प्लस 160y, और इसी को हम लोग जेड मानते थे, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 300x प्लस 160y, और हम लोग को क्या करना है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, तो बोल सकते हैं कि मैक्स जेड इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 300x प्लस 160y सब्जेक्ट टू हो जाएगा x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 24, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1/2y लेस देन आर इक्वल टू कितना जी 16, यदि इसी को चाहें जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 32, और x और y दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, तो ये हम लोगों का जो है क्या होगा कंस्टेंट नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, मतलब इसको हम लोग मैथमेटिकली हमने क्या कर लिया फॉर्मुलेट कर दिया है दिया गया क्वेश्चन को। और जब फॉर्मुलेशन हो गया है तो क्वेश्चन को क्या बोलता है इसमें सॉल्व द प्रॉब्लम ग्राफिकली, इस दिया गया प्रॉब्लम को हमें सॉल्व भी करना है सॉल्यूशन भी निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा जी, सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें दिया गया इन इक्वेशंस को क्या करना है तो इक्वेशन में लिखना है, तो जाएगा यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24, हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 2, यदि हम लेंगे फ्रॉम 1 ये है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 32, यदि पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 32, तो देयर फोर यहाँ 24 ना होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा 0 24, एंड यदि आप पुट कर दोगे y इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 24, तो यहाँ से पॉइंट कितना हो जाएगा 24,0। यदि हम लोग लेते हैं फ्रॉम टू ये कितना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, यदि हम लोग पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 32, तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 0,32, एंड
यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू जीरो तो x का वैल्यू 16, तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा 16,0। अब देखिए दोनों लाइंस के लिए मिनिमम हम लोग को दो दो पॉइंट निकालना था ताकि लाइन ड्रॉ कर सकें, तो हम लोग दोनों के लिए दो दो पॉइंट हम लोग निकाल लिया है। चलिए यहाँ तक इधर नोट कर लें। अब यहाँ से इसका लाइन ड्रॉ यदि करें, इधर हो जाएगा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन ले लेते हैं, एट एट का डिफरेंस ले लेते हैं, एट 16 24 32 40, एट 16 24 32 -8 -8 कितना है, 0 24 एंड 24 0 0 24 एंड 24 0। ये हो जाएगा लाइन नंबर वन। दूसरा बोला है 0 32 एंड 16 0 0 32 एंड कितना है 16 0। ये हो जाएगा लाइन नंबर टू। अब देखिए ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, क्या करते हैं कोई एक पॉइंट लेते हैं, कंसीडर अ पॉइंट कितना जी 0 0, पुट इट ऑन गिवेन इन इक्वेशंस फ्रॉम वन, तो वन कितना है x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 24, 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 24, 0 लेस देन आर इक्वल टू 24 ट्रू। यदि हम लेंगे फ्रॉम टू तो दूसरा कितना है 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 32, तो 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 32, 0 लेस देन आर इक्वल टू 32, ये भी आ गया ट्रू। देखिए पॉइंट हम लोगों ने कौन सा लिया था 0 0, ये पॉइंट लिए लाइन नंबर वन, ये वाला लाइन है उसके लिए इधर का पॉइंट लिए, सेटिस्फाई किया है, शेडिंग इसी पॉइंट की तरफ होगा। लाइन नंबर टू ये है उसके लिए लेफ्ट साइड का पॉइंट लिए, सेटिस्फाई किया, शेडिंग भी इधर होगा। अब देखिए एक्स एंड वाई दोनों क्या है जी, पॉजिटिव। अब x और y पॉजिटिव, हालांकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन फिर भी लिए x y दोनों पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो आइटम्स जो बनेगा, आइटम a और आइटम b बनेगा, वो आ तो a बनेगा x 0 बनेगा, आ तो 0 से बड़ा बनेगा, आइटम b भी आ तो 0 बनेगा, आ तो 0 से बड़ा होगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रीजन कॉमन है, यहाँ पे हम लोग नाम लिख देते हैं ओ ए जिसका कोऑर्डिनेट 16 0, बी का भी मालूम नहीं है, सी को लिख सकते हैं 0 24। तो सिंस इधर नोट कर लें, कॉमन फिजिबल रीजन आर क्या है जी, बॉन्डेड जगह सिंस, ये अलग कॉमन फिजिबल रीजन आर बॉन्डेड, देयर फोर कॉर्नर पॉइंट्स फिजिबल रीजन ओ ए बी सी वो इज बॉन्डेड, कॉर्नर पॉइंट ए बी सी एंड ओ। देखिए यहाँ से ए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पता है, ए का पता है, सी का पता है, लेकिन बी का पता नहीं है। तो 4b बी को सॉल्व करते हैं, 4b सॉल्विंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू। इक्वेशन नंबर वन क्या था जी, ये था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24 और ये था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। एक था एक्स प्लस y इज इक्वल टू 24 था, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 32 था। इन दोनों को सॉल्व कर दें तो क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर दें तो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 32, माइनस 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 एक कट जाएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू
ये कितना हो जाएगा माइनस एट, एक्स एक्स विल कैंसल, सॉरी माइनस माइनस विल कैंसल, कितना एक्स इक्वल टू एट। एक्स का वैल्यू वन में पुट कर दें तो जाएगा फ्रॉम वन, तो जाएगा एट प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 16। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि पॉइंट ये कितना हो जाएगा 8 16। तो यहाँ से बी का जो कोऑर्डिनेट आ गया 8 एंड 16, तो बोल सकते हैं, यहाँ इधर नोट कर लें अब, देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 0, ए कितना है 16 0, बी हो जाएगा 8 16 एंड डी हो जाएगा 0 24। कॉर्नर पॉइंट्स थे, इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब क्या निकालना है हम लोग, जेड का वैल्यू। तो हम लोग क्या करते थे जी, टेबल बनाते थे, यहाँ ये हो जाएगा कॉर्नर पॉइंट्स, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये 300x प्लस 160y 0 0, ये हो जाएगा 16 0, बी हो जाएगा 8 16, सी हो जाएगा 0 24। जेड का वैल्यू निकालें, हो जाएगा 0 प्लस 0 0, यहाँ हो जाएगा 300 इंटू 16 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 16 48 4800। यहाँ पे जेड हो जाएगा 300 इंटू 8 प्लस 160 इंटू 16, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 8 24 2400 और 16 16 हो जाएगा 256, इतना 0 6 5 4 9 49 160। यहाँ इसको लीजिएगा तो जाएगा 300 इंटू 0 प्लस 160 इंटू 24, तो जाएगा 24 इंटू 16, हो जाएगा 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 एंड 2 14, जाएगा 14 4 8 3 0 3 8 4 0, इतना। अब हम लोग को ये चार वैल्यू हम लोग को मिल चुका है जेड का, और इसमें से क्वेश्चन क्या बोला है जी, देखिए मैक्स जेड मैक्सिमम, तो देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो है 4960। तो ये जो है हम लोग को मैक्सिमम है, तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि मैक्स जेड इज इक्वल टू कितना 4960 एट कौन सा पॉइंट जी, एट 8 16, ये हो जाएगा। या तो इसी बोल सकते हैं आंसर में, हम लोग एक बार आंसर पहले वेरीफाई कर लें, दिया है नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू 16, और मैक्सिमम प्रॉफिट दिया हुआ है 4960, यही आंसर दिया गया है। मतलब इसको यहाँ पे दूसरे फॉर्म में लिखा है, मैक्स जेड नहीं, मतलब बोलता है मैक्सिमम प्रॉफिट रुपीज़ इतना एट फोर प्रोडक्ट ए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा ए 8 एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी कितना हो जाएगा 16। तो इस तरह से दिया गया क्वेश्चन को हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग आंसर आ गया। चलिए इसको नोट कर लें, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, ये बोलता है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू आइटम टू टाइप्स ऑफ टॉयज ए एंड बी। एक कंपनी है दो तरह का खिलौना बनाती है जिसका नाम दिया गया है ए और बी। द टाइप ए रिक्वायर्स 5 मिनट्स ईच फॉर कटिंग एंड 10 मिनट्स फॉर असेंबलिंग। बोलता है टाइप ए जो टॉय बन रहा है 5 मिनट लगता है उसको कटिंग में,
और 10 मिनट लगता है उसको असेंबलिंग में, हो सकता है उसको फिनिशिंग वर्क के लिए बोला गया असेंबलिंग। बोलता है टैप बी रिक्वायर्स 8 मिनट्स ईच फॉर कटिंग एंड 8 मिनट फॉर असेंबलिंग, दोनों के लिए 8-8 मिनट कटिंग में भी लगता है, 8 मिनट असेंबलिंग में लगता है। देयर आर 3 आवर्स अवेलेबल फॉर कटिंग, कटिंग के लिए टोटल टाइम कितना है जी, 3 आवर्स। उधर देखिए सब मिनट में है, यहाँ आवर में है, तो आवर को मिनट में चेंज कर दीजिए, आ तो मिनट वाले को आवर में चेंज कर दें। एंड 4 आवर्स अवेलेबल फॉर असेंबलिंग इन अ डे, द प्रॉफिट इज़ ₹50 ईच ऑन टैप ए एंड ₹60 ईच टैप ऑफ बी, तो हाउ मेनी टॉयज ऑफ ईच टैप शुड बी कंपनी शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर इन अ डे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो वह अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे वो CBSE में 2001 में पूछा गया है, और अभी जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन CBSE में बोर्ड में जो है 2001 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है टाइप ए का कितना ₹50 एंड टाइप बी के लिए है ₹60। तो लेट कर लेते हैं एक्स बी द नंबर ऑफ ट्वाय ऑफ टाइप ए एंड वाई बी द नंबर ऑफ ट्वाय ऑफ टाइप बी, बी मैन्युफैक्चर्ड इन कहाँ जी, कंपनी, इन कंपनी। यदि इसको टेबल बनाए तो रिसोर्स यहाँ ट्वाइज, यहाँ है ए और बी, यहाँ अवेलेबिलिटी प्रॉफिट दिया गया है, ए का जो प्रॉफिट है ₹50 एंड बी के लिए जो प्रॉफिट है ₹60। और यहाँ पे जो अवेलेबल टाइम है वहाँ दो तरह का रिसोर्सेज है, एक कटिंग एंड दूसरा क्या बोला है जी, असेंबलिंग, कटिंग एंड असेंबलिंग। तो टाइप वन तो बोलता है 5 मिनट लगता है, टाइप ए के में 5 मिनट लगता है कटिंग में 5 मिनट, और यहाँ पे लगता है कितना जी, 10 मिनट्स लगता है असेंबलिंग में। टाइप बी में दोनों के लिए 8-8 मिनट, 8 मिनट इसमें और 8 मिनट इसमें टोटल टाइम अवेलेबल है, मतलब उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। कितना है जी, 3 आवर, 3 आवर बोले, या तो इसी बोल सकते हैं कितना जी, 63 180 हो जाएगा मिनट, और एक कितना है 4 आवर, इसी बोल सकते हैं 64 240 मिनट्स। तो ये हम लोग को क्या हो गया, टेबल बन चुका है, और हम लोग को करना क्या है, टेबल हम लोग को बन चुका है, अब जो है उसको आकर मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर देना है। तो हो जाएगा यहाँ से टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 50x प्लस 60y, तो इसी को हम लोग क्या मानते थे, z हो जाएगा 50x प्लस 60y। और क्या करना है जी, हम लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, तो यहाँ से हो जाएगा मैक्स z इज इक्वल टू 50x प्लस 60y सब्जेक्ट टू हो जाएगा 5x प्लस 8y लेस देन आर इक्वल टू 180 हो जाएगा 10x प्लस 8y लेस देन आर इक्वल टू 240। और जो नंबर ऑफ ट्वाइस जो बन रहे हैं उस कंपनी में वो क्या होंगे, दोनों ट्वाइस आ तो जीरो होंगे आ तो जीरो से अधिक होंगे, मतलब जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो बनेगा आ तो एक भी नहीं बनेगा, आ तो जो ही बनेगा जीरो से अधिक बनेगा, मतलब x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो ये अभी हम लोगों ने क्या किया है, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर लिए हैं। अब मैथमेटिकली जब फॉर्मुलेट कर दिए हैं तो इसका सॉल्यूशन तो बहुत आसान, क्या करना होता है जी, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हो जाएगा 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 180
ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस एट वाई इज इक्वल टू 240। यदि लेंगे फ्रॉम वन, ये कितना है 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 180। यदि पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू ये हो जाएगा 180/8 कटेगा, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 45, मतलब हो जाएगा 45/2। तो देयर फोर यहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा 0 45/2। एंड यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 180/5, तो जाएगा 5 3 15 3 36। तो देयर फोर यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा 36 0। यदि हम लोग फ्रॉम टू की बात करें, 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 240, यदि यहाँ पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू हो जाएगा 30, तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा कितना जी, 0 30। एंड यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। तो देयर फोर पॉइंट हो जाएगा 24,0। एक बार इसे हम करने वेरीफाई, एक्स इक्वल टू 0 लेंगे तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 180/8, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 45/2 45/2 सही। अब देखिए हम लोग को क्या करना था, लाइन ड्रॉ करना था, अब पॉइंट लेना था, पॉइंट हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, अब मेन है क्या चीज़ थी, उसका लाइन ड्रॉ करना। लाइन ड्रॉ कर दें, कितना का डिफरेंस ले ले, 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, हो जाएगा एक्स एक्स डैश 6 का ले लेते हैं, हो जाएगा 6 12 18 24 30 36 और हो जाएगा इधर 42, 6 12 18 24 30 -6 -6, ये हो जाएगा इतना, फिर कितना 0 45/2 45/2 का मतलब कितना होगा 22 point something 22 22, मतलब इधर कहीं कुछ होगा, फिर कितना हो जाएगा 36 0। ए इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये हो जाएगा लाइन नंबर वन, दूसरा कितना होगा 0 30 0 30 and 24 0, ये हो जाएगा लाइन नंबर टू। अब देखिए दोनों में से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है तो क्या करते हैं जी, कंसीडर अ पॉइंट 0 0 पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस फ्रॉम वन, ये कितना है 5x + 8y लेस देन इक्वल टू 180, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 180, 0 < 180 हो जाएगा ट्रू। यदि हम लोग फ्रॉम टू ले लें, ये कितना है 10x + 8y लेस देन इक्वल टू 240 तो हो जाएगा 0 + 0 < 240, 0 < 240, ये भी क्या हो गया ट्रू। तो देख सकते हैं पॉइंट हम लोगों ने कौन से लिया जी, 0 0। लाइन नंबर वन के लिए पॉइंट इधर का लिए, सेटिस्फाई किया सेटिंग हुआ इधर, लाइन नंबर टू के लिए भी ओरिजिन को सेटिस्फाई किया सेटिंग उधर, तो ये हो जाएगा कॉमन रीजन, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉमन रीजन है वो क्या है, बॉन्डेड, यहाँ नामकरण कर सकते हैं ओ, यहाँ ए हो जाएगा 24 0, बी का मालूम नहीं, सी हो जाएगा यहाँ से 0 24। तो सिंस कॉमन फिजिबल रीजन ओ ए बी सी वो इज क्या चीज, बॉन्डेड, देयर फोर कॉर्नर पॉइंट्स ओ ए बी एंड सी, सभी का कॉर्नर पॉइंट्स मालूम है, बी का मालूम नहीं है,
तो लेते हैं 4B, सॉल्विंग 1 और 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट यदि कर दें तो जाएगा 5x + 8y इज इक्वल टू 180, 10x + 8y इज इक्वल टू 240, यहाँ ये कट जाएगा, हो जाएगा -5x, हो जाएगा 240 में 180 जाएगा 0, 14 में 6 हो जाएगा -60, 0 0 विल कैंसल, x इज इक्वल टू कितना होगा 12, तो x इक्वल टू 12 पुट कर दें तो हो जाएगा फ्रॉम 1, तो हो जाएगा 5 × 12 + 8y इज इक्वल टू 180, तो 8y इज इक्वल टू हो जाएगा 180, 12 × 5 = 60, तो 8y इज इक्वल टू 120, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना जी 15, तो देयर फोर यहाँ से जो पॉइंट निकल के आ जाएगा तो पॉइंट कितना हो जाएगा 12 और 15, तो यहाँ b का वैल्यू आ जाएगा, b का कोऑर्डिनेट कितना 12 15, तो हम लोग को b का कोऑर्डिनेट हम लोग को निकल के आ गया कितना 12 और 15। अब सिंपल ये जो कॉर्नर पॉइंट्स थे इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, और इन कॉर्नर पॉइंट्स को कहाँ पुट कर देंगे जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो यहाँ से बोल सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स जेड इज इक्वल टू कितना था जी उस समय ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कितना कितना दिया गया था मिटा दिए हम लोग 50x + 60y, 50x प्लस कितना था 60y, पॉइंट है कितना ए ओ 0 0, ए 24 0, बी 12 15, सी 0 24, यहाँ से हो जाएगा जेड बराबर 0, यहाँ जाएगा 50 × 24 + 0, तो हो जाएगा 24 5 = 120, 5 2 = 10 और 2 = 12, तो 120 मतलब 1200, यहाँ से हो जाएगा 50 × 12 + 60 × 15, तो होगा 12 25 60, हो जाएगा 600, और हो जाएगा 15 6 90, 900, 15 900 और 600 हो जाएगा 1500, यहाँ हो जाएगा 0 + 600 × 24, 24 6 = 24 6 हो जाएगा 144, तो 1440, यहाँ से क्या बोला है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना है जी ए 1500, तो देयर फोर बोल सकते हैं कि मैक्स जेड इज इक्वल टू 1500 एट 12 15, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। हेलो आंसर वेरीफाई कर लें थोड़ा सा एक बार, 12 15 1500 दिया गया, तो चलिए इसको नोट कर लें। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किया, अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए यहाँ तक इसको नोट कर लें, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।